इसे बिलासपुर से रामचंद्र ने पूछा है। लेट कर या बैठ कर ध्यान या समाधि में जाना किसमें ज़्यादा लाभ है? सभी साधकों का प्रश्न हो सकता है, क्योंकि तुम सब जानते हो ओशो धारा में कहा जाता है अब आप बैठ कर या लेट करके समाधि में जा सकते हैं। तो मन में प्रश्न उठता है कि अधिकतर तो लोग बैठ करके ही ध्यान किया करते थे, ओशो धारा ने एक नई बात लागू कर दी कि भाई लेट करके भी समाधि में जा सकते हो। तो पहले तो आओ जानते हैं कि ध्यान क्या है और समाधि क्या है। पहले जानते हैं ध्यान क्या है। ध्यान का संबंध आकार से नहीं है, ध्यान का संबंध निराकार से है। ध्यान का संबंध कंसंट्रेशन से नहीं है, ध्यान का संबंध रिलैक्सेशन से है। ध्यान का संबंध एकाग्रता से नहीं है, ध्यान का संबंध समग्रता से है। तो जो भीतर निराकार है अर्थात आँख बंद कर जब तुम शून्यता को देखते हो, जहाँ कोई आकार नहीं है, भीतर जहाँ एक गहरा आकाश की प्रतीति होती है, उसके प्रति जागे रहना, उसको निरंतर अवलोकन करना, ये ध्यान है। विभिन्न विधियाँ हो सकती हैं, विभिन्न विधियों से तुमको पहुँचना लेकिन निराकार में है। निराकार तक जाने के लिए बहुत सारी विधियाँ हो सकती हैं, लेकिन एक बार जब निराकार में आ जाते हो तो उसके प्रति केवल जागना है, उसको अवलोकन करना है, उसको प्यार से देखना है, तो ये ध्यान है। अब आओ जानते हैं समाधि क्या है। अब निराकार को देखोगे तो निराकार में गहराई दिखाई देगी, थ्री डायमेंशन दिखाई देगा, जैसे बाहर का आकाश थ्री डायमेंशन है, लंबाई है, चौड़ाई है, गहराई है। ऐसे ही भीतर के निराकार में भी वो गहराई जब दिखने लगे तो उसको अंतर आकाश, उसको इनर स्पेस कहते हैं। अब जब उस अंतर आकाश को देखोगे, उसकी गहराई को देखोगे, और देखते 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 उस फिर क्या होता है कि तुम्हारी प्रति भी खो जाती है। जागे तो तुम रहते हो, लेकिन किसके प्रति जागे हो ये विदा हो जाता है, जागरण मात्र रह जाता है। उस स्थिति का नाम समाधि है। ध्यान और समाधि में थोड़ा अंतर है। कम से कम ध्यान में तुमको ये पता चलता है कि मैं निराकार के प्रति जागा हूँ, अथवा निराकार में नाद है, नूर है, बहुत सारे खजाने हैं, अमृत हैं, उसके प्रति जागा हूँ। लेकिन जहाँ तक समाधि की बात है, जागरण मात्र, बोध मात्र, ओशो कहते हैं जस्ट अवेयरनेस बच गया, विचार नहीं है, समय नहीं है, लेकिन अवेयरनेस बाकी है। यहाँ तक कि कहते कबीर साहब, जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, नाद के प्रति होश भी विदा हो जाता है। तो कहते अनहद भी मर जाए और राम स्नेही ना मरे कह कबीर समझाए, लेकिन तुम्हारा चैतन्य वह विदा नहीं होता। तो चैतन्य मात्र, बोध मात्र, होश मात्र, जस्ट अवेयरनेस, ये समाधि का लक्षण है। तो ये जो समाधि है, इसलिए पतंजलि कहते हैं ये नींद जैसी है। तो लेकिन नींद में क्या है, नींद में भी विचार नहीं रहता, नींद में भी समय नहीं रहता, ऐसे ही समाधि में भी विचार नहीं रहता, समाधि में भी समय नहीं रहता, लेकिन अंतर क्या है, नींद बेहोशी मात्र बच जाती है और समाधि में होश मात्र बच जाता है। लेकिन बाकी दोनों का गुण करीब करीब एक ही है। तो नींद के लिए जो पोश्चर अच्छा है, वही करीब करीब समाधि के लिए भी वो पोश्चर अच्छा है। तो ध्यान को या समाधि के तुम बैठ कर करोगे तो मैं बताऊंगा कि उसमें क्या लाभ है और क्या लाभ नहीं है, हानि है। ऐसे मैं बताना चाहूँगा कि समाधि में बैठ कर करोगे तो क्या लाभ है और लेट कर करोगे तो क्या लाभ है। तो दोनों बातें साथ साथ पहले बताना चाहूँगा। तो बैठ करके क्या लाभ है, चाहे ध्यान करो या समाधि करो, तो बैठ करके दो लाभ है। क्या क्या लाभ है, दो लाभ है और दो हानि है। दो लाभ क्या है कि बैठ कर नींद की संभावना कम रहती है, नींद की संभावना बैठ कर करने में
कम रहती है, ये तो लाभ है। दूसरा लाभ क्या है, बैठकर करने में जागरूकता ज़्यादा बनी रहती है, होश ज़्यादा बना रहता है। लेकिन दो हानि भी है। क्या हानि है कि बैठकर करने में विश्राम की स्थिति उतनी नहीं बनती, इतना रिलैक्सेशन नहीं होता। और एक क्या हानि है, बैठकर करने में देह बोध बना रहता है, जबकि ध्यान में और समाधि में ज़रूरी है कि देह बोध कम से कम, विश्राम अधिक से अधिक हो। तो तुमको इसमें क्या होता है कि विश्राम कम मिलता है और देह बोध ज़्यादा बना रहता है, तो तुमको ध्यान या समाधि में जाने में ये दो बाधा रहती है और दो सुविधा रहती है। कि जैसे मैंने बताया कि इसमें तुमको नींद आने की संभावना कम है और जागरूकता ज़्यादा है। ठीक इसी तरह से जो लेट कर करने में क्या लाभ है और क्या हानि है उसको बताना चाहूँगा। तो लेटने में दो लाभ है। क्या लाभ है, विश्राम ज़्यादा मिलता है। लेट जाओगे, तुम सबका अनुभव है कि लेट करके विश्राम ज़्यादा मिलता है। और फिर देह बोध, जब लेट जाओगे तो देह बोध कम हो जाता है, इसलिए देह से मुक्त हो जाना लेटने में बड़ा आसान होता है। तुम ऐसे भी लेटो तो देखोगे कि देह बोध कम हो गया। तो ये तो दो तो लाभ है। लेकिन अब क्या है कि इसमें लेटने में विश्राम ज़्यादा है, देह बोध कम है। अब दो हानि है। क्या है, नींद की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तुम सब जानते हो कि अधिक कई लोग तो लेटते हैं समाधि के लिए, मैं कहता हूँ समाधि में अब लेट जाओ, लेटते ही थोड़ी देर में अब खर्राटे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो समाधि में कहाँ जाएंगे, वो नींद में चले जाते हैं। और दूसरी हानि है कि जागरूकता इसमें कम हो जाती है। बैठने में जागरूकता ज़्यादा थी, लेकिन लेटने में जागरूकता कम हो जाती है। तो अब इसलिए मैं कंक्लूजन में तुमको ये देना चाहूँगा कि ध्यान बैठ कर करना बेहतर है, लेकिन समाधि चूँकि नींद जैसी है, इसलिए समाधि में अगर जाना है तो लेट करके जाना बेहतर है। लेकिन एक ऐसी तरकीब तुमको बता रहा हूँ कि ध्यान करो या समाधि करो, दोनों ही वो खूब गहरी लगेगी अगर तुम एफोर्ड कर सको तो। वो है रेक्लाइनर। अगर आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, रेक्लाइनर बाज़ार में उपलब्ध है, अगर रेक्लाइनर पर अगर ध्यान करो अथवा समाधि करो तो दोनों गहरी लगते हैं। और मैं रहस्य की बात बताऊं, मैं स्वयं भी रेक्लाइनर पर ही समाधि में जाता हूं। तो रेक्लाइनर पर बड़ा मज़ा आ जाता है, क्योंकि उसमें जागरूकता भी बनी रहती है और शरीर को विश्राम भी बना रहता है। और ये जो चार हमने पॉजिटिव क्वालिटीज़ बताए, ये चारों तुमको रेक्लाइनर पर उपलब्ध हो जाता है।